पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था, लेकिन जैसे उनके बाकी दौरे आम रहते हैं, ये दौरा वैसा नहीं रहा। मतलब कि इस दौरे के बाद से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। अब एक पोस्ट से शुरू हुआ ये विवाद भारत बनाम मालदीव हो गया है, और ऐसे में भारत का गुस्सा साफ जाहिर हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव के टूरिज्म पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवल क्षेत्र की दिग्गज भारतीय कंपनी इजी माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी हैं। टूरिज्म पर काफी हद तक निर्भर मालदीव जैसे देश के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब ये मामला और गहराता जा रहा है। मालदीव के नेताओं की ओर से भारत और पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का असर अब गुस्से में तब्दील हो गया है। मालदीव के खिलाफ ऑनलाइन बायकॉट अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद ही मालदीव के नेताओं की तरफ से भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी आई थी। इतना ही नहीं, भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी माई ट्रिप के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निशांत पट्टी ने भारत के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड करने की जानकारी दी है। निशांत पट्टी ने लिखा कि अपने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजी माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मामले की सरकार ने मरियम शियोना, मालशा शरीफ और महजूम मजीद के बानों से खुद को अलग कर लिया है। इन तीनों मंत्रियों ने ही भारत और पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। मालदीव सरकार की ओर से इसको लेकर कहा गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और वो सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।